हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे। वंदना करने से ही श्री कृष्ण और गुरु महाराज का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा पाठ सफल होता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पाठ कहाँ तक हो गया? श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं भक्ति के बारे में कि जैसे एक कुएं का एग्जांपल लेके कि गांव में अलग अलग कुएं होते हैं, कोई किसी पर्पज के लिए, कोई किसी पर्पज के लिए। एक ही कुएं से सारे कार्य नहीं कर सकते कि नहाना, कपड़े धोना, पानी पीना, एक कुएं से नहीं कर सकते। तो अगर नदी होगी तो उस नदी में सारे काम हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास भक्ति है तो हमें अलग अलग कांड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कर्म कांड, उपासना कांड, इस तरह से अलग अलग कांडों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर हमारे अंदर भक्ति है। भक्ति से ही सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है। अब आगे करते हैं। हरे कृष्णा। तो एक श्लोक आता है, आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा इस श्लोक को, तो हम उसी तरह से इसको गाने का प्रयास करेंगे। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। हरे कृष्णा। तो आपने ये टीवी सीरियल में सुना होगा, तो इसको उसी तरह से गाने का प्रयास करने के पीछे क्या मंशा है हमारी कि आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि टीवी में भी ऐसा आता है, सीरियल में भी, ताकि आपको याद रहे। ये एक स्पेशल श्लोक है। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाह रहे हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है अगर हम इसको समझ लें तो इससे हमें सफलता भी मिलेगी। सफलता और असफलता का जो राज होता ना, इस श्लोक में छिपा हुआ है। तो वो कैसे है अब देखते हैं। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में भी कभी आसक्त हो। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अब कह रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्म कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, उसके फल में नहीं। उसका फल क्या मिलेगा वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, उसका फल मैं तुम्हें दूंगा जैसा भी तुम कर्म करोगे। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, गलत कार्य करते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का कुछ और कर दिया, तो क्या कहेंगे, हमारा कसूर थोड़ी है, भगवान ने भी तो बोला है कर्म करो कर्म करो। लेकिन ये इसके पीछे हम कारण नहीं है, भगवान ही हमसे करवा रहे हैं। हर चीज के पीछे, पत्ते पत्ते के पीछे भगवान होते हैं, तो ये कर्म भी हमसे भगवान करवा रहे हैं। तो जो गलत कार्य करते हैं ना, तो इस तरह की बातें वो करते हैं, भगवान को ही उस चीज का कारण बता देते हैं अगर कोई गलत कार्य करता है तो। लेकिन यहाँ पर भगवान स्वयं खुद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो भी तुम कर्म करते हो, अच्छा करते हो या बुरा करते हो, कभी भी भगवान की आड़ में बुरे कर्म मत करना कि कहीं कहते रहो कि भगवान ने हमसे करवाया है, भगवान ही इसके पीछे है, हर कार्य के पीछे भगवान होते हैं, तो ये गलत कार्य भी भगवान कराते हैं, हमारा कसूर नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, उसका फल का नहीं, अर्थात उसका क्या फल मिलेगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह मेरे हाथ में है। करो तुम मर्डर, करके देखो मर्डर, कुछ और गलत काम, फल मैं दूंगा, तुम स्वतंत्र हो करने के लिए, फल मैं दूंगा तुम्हें फिर कि उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या मिलेगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। साथ ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम कभी भी उन फलों को अपने कर्म का कारण मत मानो कि मैंने यह कर्म किया है उससे मुझे यह फल मिला है। नो नो,
भगवान ने तुम्हें वह फल दिया है, भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं। अब इस पूरे श्लोक को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, उदाहरण से लेते हैं। अब दो व्यक्ति हैं, उनके नाम कुछ सोच लीजिए, बंटी सोच लीजिए, बंटी, एक बंटी है एक राम है। तो बंटी क्या करता है, 100% अपना फोकस लगाता है मेहनत करने में, कर्म करने में, और 0% वो उसके फल के बारे में सोचता है, राइट। दूसरी तरफ राम, राम की बजाय कुछ और नाम ले लेते हैं, दूसरी तरफ रोहित, रोहित क्या करता है, 50% मेहनत करता है और 50% अपनी एनर्जी लगा देता है सोचने में कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या होगा, मिल जाएगी तो मैं ऐसे करूंगा। 50% वो अपनी एनर्जी उसको सोचने में वेस्ट कर देता है। अब ये बात आप ही बता दीजिए, सफलता किसको मिलेगी, बच्चा बच्चा बता पाएगा, 100% वाले बंटी को या 50 और 50 वाले रोहित को? ऑब्वियस ये बात है, 100% वाले बंटी को सफलता मिलके ही रहेगी, उस 50 और 50 वाले रोहित को नहीं, ठीक है। भगवान ये यहां पर कह रहे हैं, अगर तुम उसके रिजल्ट के बारे में फोकस करने लग जाओगे, तुम्हारी 50% एनर्जी तो उसी में वेस्ट हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि उसके फल के बारे में चिंता मत करो, उस पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर फोकस करो कि मुझे तो यह कर्म करना है, उसके बाद फल मुझे मिले या ना मिले वो भगवान की इच्छा है। अगर हमारी किस्मत में कोई सुख भोगना लिखा है तो वो सुख आकर ही रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। भगवान ऐसे ही नहीं दे देते वो सुख, उसके लिए भी भगवान मेहनत करवाते हैं, कर्म करवाते हैं, निमित्त बनाते हैं उस कर्म को। इसलिए कर्म करते जाओ, फल पे फोकस मत करो। इसके बाद अब बात आती है कि फल हमें मिल गया, अब उसका क्या करें, 100% वाले बंटी हैं हम, हमें कर्म मिल गया, हमें उस कर्म का फल मिल गया, अब उस फल का क्या करें, भोगें उसको, ऐश करें? नो, उस फल को भगवान को अर्पण कर दीजिए। तो अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि फल तो हमने पाया, अब भगवान इसका क्या करेंगे, भगवान ही तो देने वाले हैं, वो इसका क्या करेंगे, वो इसका ये करेंगे कि वो फल लेके अपना आशीर्वाद देके आपको वापिस दे देंगे, एज ए मर्सी, एज ए दया, दया के रूप में, मर्सी के रूप में, आपके ऊपर कृपा के रूप में भगवान वह फल आपको वापिस कर देंगे, हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अपने कर्म के फलों को भी मुझ पर अर्पित कर दो, खुद उसका भोग डायरेक्टली मत करो। ये संदेश भगवान इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। पहली बात यह है कि कर्म करते जाओ, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अर्थात उसके फल पे फोकस मत करो। जब तुम्हें उसका फल मिल जाएगा तब तुम उसको मुझे ही अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो, भगवान उसे तुम्हें वापिस देंगे मर्सी के रूप में। दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जो फल मिलेगा उसको ये मत समझो कि तुम्हारे कर्म के कारण हुआ है, वो भी भगवान की वजह से होता है। कर्म आपने किया, फल भगवान ने दिया। मतलब बार बार मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद अब आप ये कहोगे कि बिना फल की इच्छा के फिर मैं कर्म कैसे करूं, अगर मुझे फल मिलना नहीं है, अगर मुझे अर्पण ही करना है, अगर मुझे फल ही नहीं मिलेगा फिर मैं कर्म क्यों करूं, तो कर्म से मेरी आसक्ति छूट गई। नो, भगवान कहते हैं कर्म करो, फल तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा अगर तुम अपनी 100% एनर्जी कर्म करने में लगाते हो, लेकिन उस फल में आसक्ति मत रखो। अगर तुमने उस फल में आसक्ति रखी तो तुम्हारा फोकस टूट जाएगा, जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें तुम्हारा ध्यान भंग हो जाएगा, फिर तुम्हारा फल छोटा हो जाएगा, तुम्हें फिर फल मिलेगा नहीं। तो इसलिए अपना पूरा फोकस कर्म करने में रखना है, फल में नहीं रखना। फल आ भी गया तो भी उसमें आसक्ति नहीं रखनी, वो भी भगवान को अर्पण कर दो, सिर्फ तुम कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या बनता है, एक स्टूडेंट है, वो कुछ पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसका ध्यान भंग होता जा रहा है, तो वो किसी कैटेगरी में आएगा, रोहित की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर वो सोच रहा है कि मुझे तो बस पढ़ना है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, तो वो 100% अपना दे पाएगा और वो एग्जाम क्लियर कर लेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो उसको जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद जो उससे फ्रूट मिलेंगे
पहली बात तो जो भी एक अपने आप में एक फ्रूट है, एक फल हो गया जो उस मेहनत की वजह से, अब उससे जो भी उसकी आमदनी होगी, अगर वो उसको अपनी ऐश्वर्य भोग में लगा देता है कि मैंने ड्रिंक करी, ये मैन आई हैव डन इट, मैंने कर दिखाया, जॉब लग गई, मैं गाड़ियां ले लेता हूँ, ड्रिंक करूंगा, पार्टियां करूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। उसे उस फल को भी भगवान को अर्पण कर देना है कि हे प्रभु, आपने ही मुझे यह जॉब दिलाई है, आपकी वजह से ही मैं ये सैलरी कमा पा रहा हूँ, तो ये आपको ही अर्पण है, अब आप इसका चाहे जो मर्जी करिए। अगर ये भाव हमारा रहेगा तो फल अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, और उससे भी बढ़िया मिलेगा। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्णा। तो भगवान अब फिर से यही बात कह रहे हैं कि जय और पराजय की आसक्ति छोड़ दीजिए, कि तुम्हारी विजय होगी या हार होगी वो तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपना कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कर्म करते रहोगे, फल मैं अपने आप ही तुम्हें दूंगा। साथ में भगवान ने यहाँ पर कहा है कि आसक्ति त्याग दो, जो अभी कुछ ही देर पहले बात होके हटी है कि जो फल आएगा उसकी आसक्ति नहीं रखनी, उसकी आसक्ति त्याग दो कि फल आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, अगर इसमें आसक्ति रखते रहोगे तो तुम फोकस नहीं कर पाओगे, इसकी आसक्ति छोड़ दो। और अगर ये फल तुम्हें मिल भी गया तब भी उसकी आसक्ति तुम्हें नहीं होनी चाहिए, दारू पार्टी नहीं करनी, तब भी मस्ती नहीं करनी, तब भी भगवान का शुक्रिया करना है, भगवान का धन्यवाद करना है, भगवान को ही अर्पण कर देना है, उसी सैलरी से भगवान को ही दान देना है कि हे भगवान, आप ही इसके मालिक हो, आपने ही मुझे ये दिया है, अब जैसा आप करेंगे मैं वैसा ही करूंगा, इस तरह का भाव रखना है, तब आप योग में साधक बन सकते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का हम एग्जांपल लेते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ इज लाइक ए टनल, जैसे एक टनल होती है उसमें जब हम एंटर करते हैं तो क्या होता है, एंटर करते हुए अंधेरा दिखने लगता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखने लगता है, लेकिन पीछे रोशनी है, आगे थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखेगा, तो इंसान क्या करेगा, स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, थोड़ा डरता हुआ, उसको ये शक रहेगा कि पता नहीं मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो इस संदेह में धीरे 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 आगे बढ़ता है और पीछे रोशनी दिखती रहती है उसको, आगे बढ़ता रहता है, एक स्थान ऐसा आएगा जब पीछे भी अंधेरा और आगे भी अंधेरा, तब वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि अब मैं क्या करूँ, पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे रास्ता है या नहीं है, आगे मंजिल है या नहीं है, तो वो क्या करता है, कहीं डर के पीछे भागाता है कि हाँ मैंने पीछे का तो रास्ता देखा हुआ है ना, पीछे तो रोशनी है ही है, वो पीछे वापस आ जाता है। लेकिन जो भक्ति में दृढ़ होते हैं, जिसको पता है कि आगे मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, तो वो उस बीच वाले स्थान पर घबराता नहीं है, वो थोड़ा सा और आगे जाता है और आगे उसको एक लाइट सी दिखने लग जाती है, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ। इसी तरह हम आध्यात्मिक जीवन में बात करें, इंसान भक्त बन जाता है, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पर एक स्टेज कई बार ऐसी आ जाती है कि उसे लगता है कि पता नहीं मैं भक्ति में सफल हो पाऊंगा या नहीं, पता नहीं अंतिम समय में मैं भगवान का नाम उच्चारण कर पाऊंगा या नहीं, तो वो घबरा जाता है। जो ब्रह्मचारी बनने की तरफ चलता है उसे ये कई बार संदेह हो जाता है कि पता नहीं मैं इस पथ पर आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, क्या मैं इस तरह का आध्यात्मिक गुरु जैसा आचरण अपना पाऊंगा या नहीं, तो उसे शक हो जाता है कहीं मैं इधर का भी ना रहूं और उधर का भी ना रहूं, जैसे टनल में बीच में दोनों तरफ से अंधेरा दिखता है वैसे ही उस भक्त को भी दिखने लग जाता है, तो वो कई बार वापस आ जाता है कि नहीं मैं तो अपनी उसी मटेरियल लाइफ में ठीक था, या फिर अगर वो दृढ़ है, उसे पता है कि आगे मंजिल मिलेगी, उसका विश्वास है, तो वो अपनी भक्ति को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, और अंत में वो उस प्रकाश तक पहुंच जाता है, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति में को पा लेता है। इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जय और पराजय की चिंता किए बिना आगे बढ़ते जाओ, संभाव से कर्म करते जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी, पर उसकी आसक्ति मत रखना कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, भक्ति में आगे बढ़ते जाओ, वो टनल पार होगी, वो अंधेरा पार होगा, सामने
हमें रोशनी दिखेगी, सामने कृष्ण दिखेंगे, हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।